बेचैनी है 2024 की बेचैनी है। जब तक भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ये सब बेचैन होते रहेंगे, और उसके बाद 2024 के बाद आराम से ये लोग नींद लेंगे। सोचिए भभक रहे हैं वही चिराग कि दूसरा, ये भभकने वाले चिराग जल्द ही 2024 में बुझने वाले चिराग हैं। तो सोना के चम्मच लेके आए और सोना के चम्मच से दूध पी रहे हैं, और कब सोना का चम्मच गिर जाएगा और दूध नहीं मिलेगा फिर उलट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार बनी है बीजेपी बेचैन है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि 2024 में हम लोग बीजेपी को नींद की गोली खिलाने वाले हैं ताकि वो शांत रहे। यही नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार चिराग पासवान पर भी जमकर बरसे और मीडिया से पूछा कि आप किस चिराग की बात कर रहे हैं जो बुझने वाला है। सुनिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय का एक नौजवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक नेता उसके शरीर पर पेशाब कर दे, तो पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान का विषय है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के लोगों के लिए, चाहे दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बिहार में किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति हो, उसका नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कथनी में फ़र्क है, लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, समानता है। और इसीलिए हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में जो नीतीश कुमार जी का काम है, आज पूरे देश के लोग मॉडल के रूप में आज उसको देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, इसको लेकर काफ़ी घबराहट में है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, फेल्योर मुख्यमंत्री। बगल में उत्तर प्रदेश है और आपके चैनल के प्रतिनिधि भी वहाँ काम करते हैं और हम लोग टेलीविज़न में और अखबार में देख रहे हैं, वहाँ तो राम राज है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ राम राज है। और जहाँ जहाँ दूसरी पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, घटनाएँ हो रही है, दुर्घटनाएँ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ शांति जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो घटनाएं घट रही है, हमने कभी नहीं कहा कि बिहार में पूरी तरह से अब घटना बंद हो गई है। घटना हो रही है, हमारे लिए चिंता का विषय है, उसके बारे में जितनी भी निंदा है वो करते हैं हम लोग हैं। और आगे जो घटनाएं घट रही है वो आगे घटे नहीं, उसके लिए उपाय भी करते हैं। और अगर घटना करने वाला व्यक्ति, कानून को हाथ में लेने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के अंजाम देते हैं तो उसको किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाता है, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जनरल डायर ही क्यों नहीं बन जाते हैं, गरीबों को ऐसे जहरीली शराब से मरवा रहे, उससे अच्छा गोली मारता। उनको जब सलाह देना था तब तो चुप बैठे थे, और अब जब सलाह नहीं देना है, जितने बिहार में नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस सब नेता का जमीन खिसक रहा है। अब उनके पास कोई मुद्दा है न, उनके पास विजन, कोई सोच, सारा काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कर दिया। अब तो बेचैनी पूरे देश में बढ़ रही है इनकी, और ये जो बेचैनी है 2024 की बेचैनी है। जब तक भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ये सब बेचैन होते रहेंगे, और उसके बाद 2024 के बाद आराम से ये लोग नींद लेंगे, सोएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं 2017 में जो रिपोर्ट सार्वजनिक करना था कांग्रेस की सरकार थी और उसने नहीं किया, आज आप लोगों ने कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित किया है फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर,
नहीं, ये तो विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हुए हैं और कैबिनेट से भी पहले प्रस्ताव पारित हुए हैं, और इस संदर्भ में आपको विस्तार से लोग बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है, इस सारे विषयों पर पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से अलग से आपको विस्तार से बताया जाएगा। आप बोल रहे हैं सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है अपराधियों को, आ चिराग बोल रहे हैं सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है अपराधियों को, चिराग ही ये भभक रहे हैं, वही चिराग के दूसरा, ये भभकने वाले चिराग जल्द ही 2024 में बुझने वाले चिराग हैं। पूरे बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है बड़े लोगों की हिमायती है, ये गरीबों की हिमायती नहीं है। इनको बिहार के गरीबों के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ये तो सोना के चम्मच लेके आए और सोना के चम्मच से दूध पी रहे हैं, और कब सोना का चम्मच गिर जाएगा और दूध नहीं मिलेगा, और दूध नहीं मिलेगा फिर उलट जाएगा।